दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्लासरूम फॉर यू पर स्वागत है। जैसा कि अपन जानते हैं, ये अपनी दूसरी क्लास है और पहली क्लास अपन ने डाल चुके हैं और हमारे चैनल पे 10 क्लास की और भी क्लासेस चल रही हैं और आज ही इंग्लिश की क्लास भी आ जाएगी। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं, अपन ने पहले फर्स्ट क्लास में प्रकाश के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ा था, तो आज उसी से आगे थोड़ा अपन स्टार्ट करेंगे। तो मैं दो मिनट के लिए थोड़ा सा प्रकाश को दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, जिससे जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको थोड़ा समझ में आ जाए। तो अपन ने बात की थी प्रकाश की, तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा आपको जल्दी बता देता हूँ। प्रकाश के बारे में मैंने बताया था कि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा, और ये क्या करती है, वस्तु को देखने योग्य बनाती है। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था अच्छी तरह। फिर अपन ने बताया प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती थी, ऐसी तरंगे जो निर्वात में गति कर सकती है, यानी जिसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। तो अपन ने इसका मतलब यहां से समझा था कि प्रकाश भी क्या है, निर्वात में गति कर सकता है इसका मतलब। इसके बाद अपन ने जाना था कि इसकी चाल क्या होती है निर्वात में, और ये किसने बताया था, चाल रोमर ने बताया था। तो अब इसकी चाल अपन ने क्या निकाली थी, 3×10^8 मीटर पर सेकंड। फिर इसको अपन ने किलोमीटर में भी निकाला था, तो किलोमीटर के लिए अपन ने क्या करा था, 3×10^8 और 1000 का भाग लगाया था। तो ये क्या हो गई थी, किलोमीटर पर सेकंड। इससे आगे अपन ने क्या देखा था कि प्रकाश क्या करती है, हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। और प्रकाश का नेचर कैसा होता है, ये डबल नेचर का होता है, यानी दैत्य प्रकृति का होता है। वो कौन कौन सी प्रकृति होती है, एक तो कण और एक तरंगे। पिछली क्लास में अपन ने इतना पढ़ चुके थे, तो अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि अपन जानते हैं, अपन ने लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी प्रकाश के बारे में अपन थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो अब आगे बात करेंगे परावर्तन की। तो परावर्तन की बात की जाए, तो परावर्तन को पहले थोड़ा अपन समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताएंगे। पहले थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, परावर्तन के लिए अपन को एक पृष्ठ चाहिए होता है, मैं इसको बोलते हैं अपन समतल पृष्ठ। परावर्तन में होता क्या है, जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो देखो, ये कोई सनलाइट आ रही है मान लो यहाँ से, और ये किसी पृष्ठ पे टकराई, ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समतल पृष्ठ होना चाहिए, टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश का परावर्तन। यानी ये क्या है, किरण, इसको अपन बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे अपन परावर्तित किरण। अब आगे बात की जाए, तो परावर्तन की भी दो टाइप होते हैं। एक अगर अपन बात करें समतल पृष्ठ की, तो ये खुदरा भी तो हो सकता है, यानी एक तो चिकना होता है और एक खुदरा हो सकता है। तो अब आगे बात करेंगे अपन प्रकाश के परावर्तन की, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। तो पहले अपन बात करें पहला, तो पहले को बोलते हैं अपन नियमित परावर्तन, और दूसरे की बात करें तो दूसरे को बोलते हैं अपन विस्तृत परावर्तन। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इस क्लास के नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वे आप चाहे तो खुद नोट्स बना सकते हैं। तो अब अपन बात करें विस्तृत, एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विस्तृत परावर्तन। तो पहले बात करें नियमित परावर्तन की, इसके लिए अपन को एक समतल पृष्ठ चाहिए होता है, तो अपन इसी में बात कर लेते हैं इसकी। तो इसको मैं आप थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ नियमित परावर्तन को।
अपन ने ये क्या लिया, समतल पृष्ठ। जैसे कि अपन बोले ये समतल पृष्ठ है, जैसे कि अपन इसको बोल सकते हैं समतल पृष्ठ, यानी चिकना पृष्ठ लेना अपन को नियमित परावर्तन के लिए। कैसा चिकना? तो बात करें तो दर्पण ले लेते हैं। दर्पण का पृष्ठ क्या होता है, एक तरफ से तो लेप होता है उस पर, और एक तरफ क्या होता है ऊपर की तरफ चिकना होता है, तो यानी अपन बोल सकते हैं दर्पण। तो इस पर प्रकाश किरण गिरती है, तो गिरने के बाद क्या होती है, एक निश्चित कोण के बाद क्या होती है, परावर्तित होती है। यानी अगर दूसरी किरण की बात करें तो ये भी टकराने के बाद क्या होगी, एक निश्चित कोण पर परावर्तित होगी। तीसरे की बात करें तो ये भी क्या होगी, एक निश्चित कोण पर। चौथे की बात करें तो ये भी क्या होगी, निश्चित कोण पर। तो अपन बोल सकते हैं जो इनका एंगल है वो कितना है, एंगल मान लो इसका थीटा है, तो इसका भी क्या होगा थीटा, इसका भी क्या होगा थीटा, इसका भी क्या होगा थीटा। हम थीटा की वैल्यू 60 लो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू 60 होगी, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 60, इसके लिए इसकी भी वैल्यू क्या होगी 60। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन होती है परावर्तित होने के बाद वो क्या होती है, सेम होती है। यानी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा सेम होती है, यानी समान होती है डायरेक्शन इसमें, ठीक है। तो अपन बात करें, अपन इसका एग्जांपल लें, जब अपन मोटरसाइकिल का क्रांत देखते हैं, मोटरसाइकिल के साइड का मिरर देखते हैं, तो उस पर जब प्रकाश किरण गिरता है तो अपन को चलका आता है। उस चलके को अपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही अपने ऊपर चलका आता है। यदि अपन थोड़ी डायरेक्शन बदल लें या कोण बदल लें तो वो चलका अपन को दिखता नहीं है। तो वो किसके कारण होता है, नियमित परावर्तन के कारण होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप ये डायग्राम बना सकते हैं, बनाना चाहो तो। अब आगे बात करें अपन, तो आगे बात करेंगे तो अपन अब विस्तृत परावर्तन की बात कर लेते हैं आगे थोड़ी देर। विस्तृत परावर्तन की बात की जाए तो विस्तृत परावर्तन होता क्या है, ऐसी जिनकी सतह क्या होती है खुदरी। तो अपन बात करें खुदरी, तो अपन थोड़ा खुदरी सतह बना लेते हैं। जैसे अपन बात करें अपने कमरे की दीवार होती है या ईंटों की वॉल होती है, या अपन बोल लेते हैं दीवार या वॉल, वो एक प्रकार की क्या है, खुदरी सतह, एक प्रकार की क्या है, खुदरी सतह। तो अब यहां से प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण टकराने के बाद परावर्तित होगी, अगेन आई, ये भी क्या होगी परावर्तित होगी, अगेन आई, ये भी क्या होगी परावर्तित होगी, अगेन आई, ये भी क्या होगी परावर्तित होगी। तो जो एंगल बनाई है, ये थीटा है, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये थीटा थ्री है। तो अपन बोल सकते हैं ये 60 है, तो जरूरी नहीं कि ये 60 हो, ये 70 भी हो सकता है, ये 80 भी हो सकता है, ये 45 भी हो सकता है। यानी अपन बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग। थीटा का मान क्या होता है, यानी कोण क्या होंगे, कोण अलग अलग होंगे, कोण अलग अलग होंगे। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें डायरेक्शन भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी अपन बोल सकते हैं जो दिशा होती है वो क्या होती है, असमान होती है। दिशा क्या होती है, असमान, ठीक है। तो अपन बात करें इसका एग्जांपल ले, तो अपन कमरे में, जब कमरे में अपनी खिड़की में से अपनी क्या रोशनी आती है, तो अपन को, अपन उसको किसी भी डायरेक्शन से देखते हैं तो एक जैसी दिखती है अपन को, ऐसे नहीं कि वो चलका दे रही। अपन किधर से भी देखेंगे तो जो कमरे में लाइट होती है वो किसके कारण होती है, कमरे में लाइट यानी जो उजाला होता है वो किसके कारण होता है, विस्तृत परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो, अगर आपको कोई क्वारी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिना बेझिझक। अब आगे अपन बात करें इसके बारे में, तो आगे अपन बात करेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए, वो जानना जरूरी भी है। तो अपन बात करते हैं परावर्तन के नियम, तो अपन हेडिंग डालते हैं परावर्तन। परावर्तन के नियम, तो अपन ये पढ़ चुके हैं कि परावर्तन होता क्या है। परावर्तन क्या होता है, एक समतल पृष्ठ होता है, इसमें अपन क्या बोलते हैं, आने एक किरण आती है, किरण आने के बाद वो परावर्तित हो जाती है। तो अपन ने बात की थी आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, या अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं अपन, परावर्तित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अपन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और यहां से अपन ये थीटा बनाए, इसकी गणना करने के लिए अपन को एक
यहाँ से अभिलंब लेना पड़ता है, तो अभिलंब लेने के लिए अपन यहाँ एक 90 डिग्री, और ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है, समतल से कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन नॉर्मल। तो यहाँ से कुछ नियम बनते हैं, पहला तो अपन ये देखते हैं, एक यहाँ पे एंगल बना और एक यहाँ पे एंगल, तो ये वाला एंगल होता है, इसको बोलते हैं अपन आपतित किरण, आपतित कोण, और इसको बोलते हैं अपन परावर्तित कोण, इसको अपन अपने यहाँ लिखा है इंसिडेंट रे, तो इसका अपन ने आई उठाना है तो इसको बोलते हैं आई एंगल, इसको बोलते हैं अपन यहां से आर लेना है तो इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर से। तो अब इसमें अपन थोड़े नियम देख लेते हैं, इसमें नियम दो नियम होते हैं मेन, तो पहला नियम होता है देखो, तो जो ये कोण है यानी आपतित किरण जिस कोण से आ रही है तो वो परावर्तित भी उसी कोण से होगी, यानी इसका मान 60 है तो इसका मान भी कितना होगा 60, इसका मान 70 है तो इसका मान भी कितना होगा 70। तो यानी पहला नियम क्या होता है इसका, यानी आपतित किरण, यानी अपन बोल सकते हैं आपतित कोण बराबर होता है किसके, परावर्तित कोण की, यानी अपन बोल सकते हैं कोण आई बराबर होता है कोण आर के, अपन ये बोल सकते हैं क्योंकि जो अगर ये 60 है तो ये 60 पे रिफ्लेक्टेड होगा, अगर ये 70 पे आ रहा है तो ये 70 पे रिफ्लेक्टेड होगा। तो पहला नियम होता है आपतित कोण व परावर्तित कोण क्या होता है हमेशा बराबर, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। और दूसरे नियम देखे तो अपन देखो, तो दूसरा नियम क्या होता है, अब आप यहां से देख सकते हैं जो आपतित किरण है अभिलंब है और परावर्तित किरण किस तल में, समतल पृष्ठ के एक ही तल में यानी एक ही बिंदु पे स्थित है, ऐसे थोड़ी है कि ये वाला आप किरण इस बिंदु पे तो ये अभिलंब इस बिंदु पे, ऐसा नहीं है, यानी ये हमेशा एक ही तल पे होते हो। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब समतल पृष्ठ के अपने पास नीचे जगह नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं समतल पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, होते हैं। तो अपन ने आज पढ़ा परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, वे परावर्तन के नियम, वे परावर्तन के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण वे अपवर्तन के बारे में। तो ऐसे हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।